भारत बंद के सिलसिले में हमारे को यहाँ पे काल दिया गया। उस सिलसिले में हम पूरे इकट्ठा होके मित्र पक्ष यानी दोस्ती के दायरे में तेलुगु देशम और कांग्रेस वाले भी हमारा भारत बंद पार्टिसिपेट करें। आज हम हमारा अपना जो है ये निरसन हम बता रहे हैं यहाँ पे। हम अपोजिट कर रहे हैं, खिलाफ कर रहे हैं। प्रभुत्व गवर्नमेंट जो है जिम्मेदारी होता एक हर एक जिम्मेदारी जनाने के यानी पब्लिक के लिहाज से काम करने का जरूरत है। फिर भी वो अपने तानाशाही बताते हुए हर उसको बढ़ाते जा रहे हैं और मामूल जो गरीब लोग हैं गरीब लोग मुश्किल उठा रहे हैं। इसे सिलेंडर के और दामा बढ़ा दिए, गैस का दामा बढ़ा दिए और पेट्रोल का दामा बढ़ा दिए। हर उस पर इसका असर हर एक उस पर पड़ता, तो इसलिए और राहुल गांधी हमारा कांग्रेस पार्टी जो आज कॉल कर रहे हैं इसके सिलसिले में हम हमारा प्रोटेस्ट करते हुए गवर्नमेंट फौरन ही दामा कम करना चाहिए। सब पब्लिक के लिहाज से सबको सहूलत देने का ये हम डिमांड कर रहे हैं हमारे कांग्रेस पार्टी तरफ से। जय कांग्रेस। अपन का बीजेपी प्रभुत्वम, बीजेपी का गवर्नमेंट गैसो साहब चार साल में और में ऐसा जब कितना था, पेट्रोल का दाम 45 रुपए था और डीजल का दाम 32 रुपीस था। अब देखो चार साल में देखो अब 90 रुपए पेट्रोल का दाम हो गया और 70 रुपए डीजल का दाम हो गया। ऐसे बढ़ते हुए रोज़ आने 75 पैसे 80 पैसे ऐसे बढ़ते हुए जा रहा। ये मिडिल क्लास लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा और ये अपन का कॉमन नेसेसरी जो ही है अपन का तरकारी है पूरा इसके वजह से ट्रांसपोर्ट में हर चीज़ का रेट बढ़ जा रहा। ये मिडिल क्लास वाले नहीं जी सक रहा है गवर्नमेंट में। इसी वजह से मैं डिमांड कर रहा कि ये बीजेपी का गवर्नमेंट रिजाइन करना, ये मोदी अनफिट है गवर्नमेंट रूलिंग करने के वास्ते। दिस द डिमांड फ्रॉम तेलुगु देशम पार्टी।